तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमोर्टल बुड्ढा आ जाता है, जो उसे अपने साथ इमोर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमोर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमोर्टल बनने में। तो हमारे एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एन लिन ने ना जाने उन चार टॉप टियर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के बंदों के साथ क्या कर दिया था कि वो उनकी ही बनाई हुई पॉइजनस मिस्ट में काफी ज्यादा रो रहे थे। और अब हमें पता चलता है कि शुरू में इन चार लोगों ने एन लिन और लिंग लिंग को देख लिया था, और वो सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों सोल डिबोरिंग मिस्ट देखने के बाद भी यहां से भागे क्यों नहीं। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि इंसानों ने हमसे मुकाबला करने के लिए इन दो पिद्दुओं को भेजा है, क्या वक्त की बर्बादी है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मैं उस लड़की का खून पीना चाहता हूँ। लेकिन तभी ये मास्क वाला बंदा बोलता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उन्हें हमारी इस बनाई हुई धुंध में फंस जाने दो। लेकिन तभी एन लिन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके ना जाने क्या करता है, जिसकी वजह से उस धुंध का जो बहाव होता है वो बदल जाता है। और इस बात का शक इन लोगों को भी हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन उतने ही टाइम में वहाँ पर एन लिन आ जाता है, और उसे वहाँ देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस जहरीली धुंध में आखिर ये लड़का यहाँ कैसे आ गया, वो लोग यही सोच रहे हैं। तो तभी एन लिन बोलता है कि अरे हाँ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं जहर की वजह से, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी ये लोग अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाते हैं और एन लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एन लिन अपने इल्यूजन वाली स्किल का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद ये सभी रोने लगते हैं और एन लिन वहाँ से चला जाता है। अब इस बारे में एन लिन लिंग लिंग को बता रहा था, और उसकी बात सुनकर लिंग लिंग पूछती है कि कहीं तुम किसी टाइप के पावरफुल म्यूजिशियन तो नहीं हो ना। सो एन लिन बोलता है कि मैं तो बस एक मामूली सा लड़का हूँ जिसकी अभी तक शादी की उम्र नहीं हुई। और तभी यहाँ सीन बदलता है और हम शिगो को देखते हैं जो बोलता है कि तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते। सो तभी शियावलन बोलती है कि हम एन लिन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि हम उसे अच्छे से जानते हैं। सो तभी शिगो बोलता है कि वहाँ पर दो टॉप टियर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के दुश्मन हैं, तुम उनसे कभी नहीं जीत पाओगे। और तभी यूएन ड्रैगन टाइगर माउंटेन के दो एक्सपर्ट्स को फोर्थ बैटलफील्ड में जाने को बोलती है, जिसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी शियावलन उन्हें जाने से रोक देती है और उनसे बोलती है कि प्लीज आप एन लिन को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। सो तभी ये एल्डर बोलता है कि हमारे लिए हर एक जान कीमती है, और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। और तभी शियावलन फिर से उनके सामने आकर पूछती है कि क्या प्लीज आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सो तभी शिगो गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये एक युद्ध है, कोई गेम नहीं। लेकिन फिर भी शियावलन शिगो की बात नहीं मानती, जिस पर शिगो बोलता है कि इमोर्टल प्लीज आप इस लड़की को सामने से हटा दीजिए, जिस पर ये लड़का शियावलन के ऊपर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सो शियावलन अपने सामने एक बैरियर लगा लेती है, और अब ये दोनों ही अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो शियावलन है वो कमजोर पड़ रही थी। अब ये देखकर ब्रदर चेंग पूछता है कि शियावलन तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर शियावलन बोलती है कि एन लिन खतरे में है। सो तभी ये एल्डर बोलता है कि आखिर एक बैटल फील्ड में कौन खतरे में नहीं होता। लेकिन तभी शियावलन बोलती है कि क्लास मॉनिटर प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। सो अब शुआन युआन चेंग शियावलन की बात मानकर वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक्सपर्ट पीछे फेंक जाते हैं। और इसके बाद शुआन युआन चेंग बोलता है कि प्लीज आप हम पर भरोसा करके हमें फोर्थ बैटल फील्ड में जाने दीजिए, अगर हम इस मिशन को पूरा करने में फेल हो गए तो मैं शुआन युआन चेंग अपना सिर आपके कदमों में रख दूंगा। अब इसके बाद ब्रदर चेंग और शियावलन दोनों टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर चले जाते हैं। अब शिगो उन्हें जाने से रोकता है, लेकिन यूएन बोलती है कि आप उन्हें जाने दीजिए, हम उनके ऊपर नजर रखे रहेंगे और अपना फोकस दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर रखते हैं। तभी अलर्ट बजने लगता है और इन सभी को बताया जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड बैटल फील्ड में कुछ अननोन लेवल के पर्सन देखे गए हैं, और इसी वजह से वहां पर बैकअप की जरूरत है। अब ये बात सुनकर ये लोग बोलते हैं कि क्या अननोन लेवल, कहीं उनका लेवल स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल से ज्यादा तो नहीं है। अब ये बात सुनकर यूएन पूछती है कि थर्ड बैटलफील्ड की क्या खबर है। सो तभी ये सिस्टम होता है वो उसे थर्ड बैटलफील्ड से एक इमेज भेजता है, और उस इमेज में एक लड़की दिखाई दे रही थी, और उसे देखकर शिगो बोलता है कि ये तो नामुमकिन है। अब तभी यूएन बोलती है कि जल्दी हेवनली एलियंस को खबर भेजो कि ब्लैक फीडर्स ने मोटर वर्ल्ड में घुसपैठ की है। और दोस्तों हेवनली एलियंस का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसके बाद यूएन बोलती है कि जल्दी से सभी लोग थर्ड बैटलफील्ड पर उनकी मदद के लिए जाओ, और अब वो सभी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यूएन बोलती है कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। अब शिगो उन सभी को वहां से जाने का आदेश देता है।
अब इसके बाद ये लड़का सबसे पहले टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब वो लड़का कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। ये देखकर शिगू बोलता है कि उसे जल्दी से पीछे खींचो। इसके बाद ये एल्डर उस लड़के को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर से थोड़ा ब्लैक धुआं निकल रहा है। और तभी शिगू उस टेलीपोर्टेशन गेट की ओर एक हमला करता है, और तभी उस टेलीपोर्टेशन गेट से ब्लैक धुआं निकलने लगता है, जिसमें शिगू का हमला खो जाता है। और तभी यूएन भी एक हमला करती है, लेकिन वो ब्लैक धुआं बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उस धुएं की ताकत की वजह से सभी लोग पीछे फेंक जाते हैं। अब इसके बाद सभी लोग नीचे पड़े हुए थे, और वो टेलीपोर्टेशन गेट वहां बंद हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक हाथ अपीयर होता है, जो उस जगह पर एक क्रैक कर देता है। उसके बाद उस क्रैक के अंदर से काफी सारा धुआं निकलने लगता है, और वो धुआं सभी लोगों को अपने अंदर समेट लेता है। और इसके बाद वो धुआं पूरे हेडक्वार्टर्स में फैलने लगता है, और तभी उस धुएं के बीच में से निकलती है ये लड़की, जिसकी इमेज हमें थर्ड बैटलफील्ड ने भेजी थी। और यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि इन सभी लोगों को उन्हीं के साथ डाल दो जिन्हें हमने पहले पकड़ा था। अब हमारे पास टोटल 10 इंसान हो गए हैं सैक्रिफाइस के लिए। और जैसे ही यूएन उस लड़की की ओर देखती है, ना जाने उसे क्या होता है, उसकी आंखों और मुंह में से एक पर्पल धुआं निकलता है, जैसे मान लो उसकी स्पिरिट किसी ने उसकी बॉडी में से निकाल ली हो। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि अब मुझे बस मेन टारगेट को पकड़ना है। और उसके बाद सेरेमनी शुरू। अब तभी हमें फोर्थ बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, और हम इन चारों को देखते हैं जिन्हें अभी भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये लोग अभी भी रोए जा रहे हैं, और तभी ये लड़की इस मास्क वाले बंदे से बोलती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उसे जल्दी से पकड़कर मारना होगा। और वहीं इन सबको इस तरीके से रोता हुआ देख लिंगलिंग बोलती है कि तुम तो बहुत ही बढ़िया हो यार। और तभी एलन बोलता है कि हम इन लोगों पर पहले हमला करेंगे। उसकी बात सुनकर लिंगलिंग उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी एलन उसे रोक देता है। सो लिंगलिंग पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी एलन देखता है कि उसकी मदद के लिए वहां पर शियाओलिन और ब्रदर चैंग आ चुके हैं। और अब एक साथ बैठने के बाद ब्रदर चैंग बोलते हैं कि शियाओलिन ने मुझे बताया कि तुम खतरे में हो, और यहां पर चार टॉप टियर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के दुश्मनों को देखकर लगता है कि वो सही कह रही थी। सो तभी एलन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला शियाओलिन कि मैं खतरे में हूं। सो शियाओलिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती। सो लिंगलिंग बोलती है कि जल्दी बताओ जो भी तुम जानती हो। अब इससे पहले कि शियाओलिन उन्हें कुछ भी बताती, तभी लिंगलिंग के फोन में साइरन बजने लगता है। और जब लिंगलिंग फोन चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड बैटलफील्ड में बैकअप की जरूरत है, और उनका थर्ड बैटलफील्ड के साथ कॉन्टैक्ट टूट चुका है। और अब लिंगलिंग काफी ज्यादा घबराती हुई बोलती है कि सिर्फ दो ही सिचुएशंस में कॉन्टैक्ट टूटता है, या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट तबाह हो जाए, या फिर। सो तभी एलन बोलता है कि हेडक्वार्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट टूट चुका है। और जब लिंगलिंग इस चीज को देखती है, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे वो समझ जाती है कि हेडक्वार्टर्स में कुछ तो हुआ है। और इसके बाद लिंगलिंग बोलती है कि ये सिचुएशन हमारी कंट्रोल के बाहर हो गई है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद सभी लोग एलन की ओर देखने लगते हैं। सो अब एलन बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो लीडर हूँ, मुझको सोचना पड़ेगा, लेकिन हमारे दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक हैं, और हेडक्वार्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन भी टूट चुका है, अब हम चार कर ही क्या सकते हैं। सो तभी लिंगलिंग बोलती है कि तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद लिंगलिंग बोलती है कि बाद में जब तुम इनसे लड़ने आओ, तो मेरा बदला जरूर लेना। सो तभी एलन बोलता है कि भले से ही हमने हेडक्वार्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट खो दिया हो, लेकिन हम अभी तक हारे नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर सभी में थोड़ी हिम्मत आती है, और ब्रदर चैंग बोलते हैं कि एलन ने सही कहा, अगर हम इस फोर्थ बैटलफील्ड को जीत जाते हैं, तो हमारा पगड़ा भारी हो जाएगा। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर लिंगलिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी एलन बोलता है कि अचानक से सब इतना अशांत क्यों हो गए। जैसे ही एलन दूसरी ओर देखता है, अचानक ही उन पर हमला हो जाता है, और यहाँ पर इस लड़की ने एलन को पकड़ रहा है, और वो इसी तरीके से एलन पर हमला करके उसे आसमान में से नीचे गिराने लगती है। और उसी टाइम पर दो और दुश्मन एलन पर एक साथ अपनी साउंड वेव से अटैक करते हैं। सो तभी ब्रदर चैंग उसकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन तभी ये लड़की ब्रदर चैंग के साथ फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, और ब्रदर चैंग भी उसकी मदद के लिए नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये लड़की उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी। सो तभी ब्रदर चैंग अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस लड़की को बेड़ियों से पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उस पर एक खतरनाक हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। और अब ब्रदर चैंग एलन को बचाने के लिए उसकी ओर जाते हैं, क्योंकि वो आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी एक और दुश्मन उनसे फाइट करने लगता है, और अब ब्रदर चैंग को एक साथ दो दो दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। वहीं एलन जमीन से टकराने ही वाला था, सो लिंगलिंग और शियाओलिन एलन की ओर जाने लगते हैं,
उसे बचाने के लिए, और उसी टाइम पर लिंगलिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके शियाओलिन को एनलिन की ओर उछाल देती है। अब जो शियाओलिन थी वो एनलिन को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी शियाओलिन देखती है कि ये मास्क वाला बंदा वहाँ पर एक स्पेल कास्ट करता है और इसके बाद एक लाइटनिंग अटैक सीधा एनलिन को लगता है, जिसकी वजह से शियाओलिन भी दूर फेंक जाती है और एनलिन और शियाओलिन दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब एनलिन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और अब ये मास्क वाला बंदा उनके पास आकर बोलता है कि तुमने हमारे साथ पंगा लेकर बहुत गलत किया है और इसी वजह से अब तुम मरने वाले हो। सो तभी लिंगलिंग एनलिन को बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी ये बंदा फिर से अपने स्पेल को कास्ट करके लाइटनिंग से लिंगलिंग की ओर हमला करता है और उसके हमले को लिंगलिंग नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से वो भी दूर गिर जाती है। अब वैसे ही लिंगलिंग काफी ज्यादा जख्मी होकर उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़की फिर से एक साउंड वेव अटैक करती है। सो शियाओलिन उसके अटैक को पहले तो अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हमले को पूरी तरीके से नहीं रोक पाती और अगले पल में ही शियाओलिन देखती है कि उस लड़की ने एनलिन को पकड़ लिया है और वहां पर वो लड़की अब एनलिन का खून पीने ही वाली थी, लेकिन तभी एनलिन वहां पर अपनी ऑलमाइटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जितने भी ये दुश्मन होते हैं उन सभी को एक झटका सा लगता है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और इसी मौके का फायदा उठाकर शियाओलिन इस लड़की पर हमला कर देती है और उसके बाद लिंगलिंग भी उस लड़की पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। अब इसके बाद ये तीनों देखते हैं कि एनलिन को होश आ गया है, लेकिन तभी एनलिन के पीछे से एक क्रैक अपीयर हो जाता है, जो देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों ये काफी ज्यादा पावरफुल टेलीपोर्टेशन गेट है और उसके बाद हम देखते हैं कि दो हाथ एनलिन को पकड़ लेते हैं और उसे उस गेट के अंदर खींचने लगते हैं। वहाँ पर शियाओलिन एनलिन की मदद के लिए उसकी ओर जाती है, लेकिन वो ताकत एनलिन को अंदर की ओर खींच लेती है और अब वो क्रैक बंद होने लगता है। अब इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था और इसी ने एनलिन को पकड़ा भी है और उसने एनलिन को इस गोल सी गेंद के अंदर बंद कर दिया है और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर जितने भी इंसानों को उसने पकड़ा है उन सभी को बांध कर रखा है, क्योंकि वो यहाँ पर एक सेरेमनी शुरू करने वाली है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि गॉड, हर एक चीज आपकी ख्वाहिश के अनुसार हो रही है। उसके बाद हमें उस गोले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एनलिन को देखते हैं जो बेहोश होता है, लेकिन तभी एक आवाज उसे जगा देती है और जब धीरे से वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो उसे जगा रही थी, लेकिन वो फिर से बेहोश होने लगता है। सो तभी एक लाइटनिंग उसकी आंखें सही से खोल देती है, मेरा मतलब ये सिस्टम उसे पंचेस मार रहा था। और इसके बाद एनलिन को सही से होश आ जाता है और वहाँ सिस्टम बताता है कि होस्ट इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है, इसी वजह से क्या आप एक चीट कोड का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो एनलिन तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है। सो सिस्टम बताता है कि होस्ट को उस गॉड लेवल चीट कोड का इस्तेमाल करना चाहिए जो सीनियर लियू ने उसे दिया था, और इस बारे में सिस्टम आगे बताता है कि वो है आपकी ये अंगूठी। और इसके बाद एनलिन एक पोज मारता है और सिस्टम वहाँ एनलिन से बोलता है कि आप अपना पूरा फोकस इस रिंग के ऊपर रखिए और कहिए बॉय ऑफ लाइट ट्रांसफॉर्म। सो एनलिन बोलता है कि ऐसा बोलने की जरूरत है क्या। हाँ, सिस्टम बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और तभी एनलिन को याद आता है कि ये अंगूठी लियू ने उसे देते हुए कहा था कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, इसे हमेशा अपने पास रखना। और अब यहाँ एनलिन चिल्लाता है ट्रांसफॉर्म बॉय ऑफ लाइट, जिसके बाद ये अंगूठी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और उस अंगूठी के इतने ज्यादा ग्लो करने की वजह से वहां पर एक क्रैक अपीयर होता है जिसमें से एक हाथ निकलता है और वो एनलिन को थाम लेता है। ये देखकर एनलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम शियाओलिन को देखते हैं जो एनलिन को बचाने में नाकामयाब हो गई थी और अब उसे एनलिन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन तभी ये डीमन गर्ल उसके पास आ जाती है ऑब्वियसली उस पर हमला करने के लिए। सो ये देखकर ब्रदर चैंग शियाओलिन की ओर तेजी से जाकर उस डीमन गर्ल को वहां से दूर फेंक देते हैं, इससे पहले कि वो डीमन गर्ल शियाओलिन पर हमला करती। और तभी ये बाकी के जो डीमंस थे वो भी शियाओलिन पर हमला करने के लिए उसकी ओर जा रहे थे, लेकिन तभी शियाओलिन देखती है कि वो क्रैक अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। और इसके बाद वहां पर शियाओलिन बहुत गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि एनलिन को मुझे वापस दो, और वो वहां पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को उस क्रैक की ओर फेंकती है। और ये ताकत देखकर ये डीमन गर्ल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में वो नॉर्मल भी हो जाती है क्योंकि उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले ही पल में वो देखती है कि उसका वो गोल डिब्बा जो कुछ भी है वो धीरे धीरे टूटने लगा है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसका ये रिचुअल इस तरीके से खत्म कैसे हो गया। उसके बाद वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और यहाँ शियाओलिन के सामने जो क्रैक था इसके बाद उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी की वजह से जितने भी ये डीमंस होते हैं वो दूर फेंक जाते हैं। और वहां पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऑरा किस चीज का है। और तभी ये डीमन गर्ल उस लाइट से दूर होकर देखती है कि वहां पर एक और पर्सन आ चुका है और वो पर्सन एनलिन को अपनी गोद में लिए हुए हैं, और ये देखकर तो शियाओलिन भी हैरान हो जाती है। और दोस्तों वो पर्सन होता है और कोई नहीं
लियू कियान हुआन और उसके बाद जो लाइट वहां पर अपीयर हुई थी वो डिसअपीयर हो जाती है। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वहां पर लियू कियान हुआन को देखकर एलन, शियाओलिन और क्लास मॉनिटर सभी खुश हो जाते हैं और वहां पर लियू बोलती है कि देखो आसमान से एक प्यारी परी तुम्हें बचाने के लिए आई है बॉय ऑफ लाइट। सो तभी एलन लियू की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए देखता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सो लियू बोलती है कि तुम्हें अपने आप को छूकर देखना चाहिए कि ये सच है या सपना। सो एलन बोलता है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन अगले ही पल में लियू एलन को छोड़ देती है और वो बहुत तेजी उस क्रैक के जरिए बाहर निकलकर जो ये तीन डीमंस होते हैं उन तीनों पर एक साथ हमला करके उन्हें बर्फ में जमा देती है, जिसके बाद बर्फ में जमी हुई उनकी बॉडी बर्फ के टूटने पर खत्म हो जाती है। और ये देखकर ब्रदर चंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कितनी तेज है, लेकिन अगले ही पल में लियू ब्रदर चंग के ऊपर आती है। ब्रदर चंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। और सिर्फ वही नहीं, बाकी सब भी उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर उस डीमन गर्ल ने एलन को कैद कर रखा था और वहां पर लियू ने एलन के नीचे गिरने से पहले उसे फिर से पकड़ लिया होता है। और वहां पर लियू बोलती है कि आज मेरे हमले कुछ स्लो थे, मजा नहीं आया। एलन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तभी लियू को देखकर लिंगलिंग बोलती है कि आखिर ये मैजिकल गर्ल कौन है और ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। ब्रदर चंग बताते हैं कि हमारी टॉप मैजिक एकेडमी की सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट सीनियर लियू कियान हुआन। और तभी शियाओलिन लियू का शुक्रिया अदा करती है उनकी जान बचाने के लिए। सो लियू बोलती है कि इतनी जल्दी मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली परेशानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब इन सभी को सामना करना है इस पावरफुल डीमन गर्ल का जो उन्हीं की ओर आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों क्या लगता है तुम्हें, एलन और बाकी सब क्या इतनी ज्यादा ताकतवर डीमन का सामना कर पाएंगे या फिर इनमें से कोई मारा जाएगा? ये सब जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा। और अगले एपिसोड के लिए इस एपिसोड पर एक लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। सो गाइस इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।